अरे भाई आप हो क्या? हाँ। मुझे लगा कि घोड़े पे जो छिपकली बैठी है उसने पेशाब कर दिया। क्या भाई आप भी ना? ए, चुपचाप उठो। सोने दीजिए, आधा घंटा और सोऊंगा बस। चैन से सोने भी नहीं देते। ए भाई सुन नटराज, हाँ? आज तुम्हारा रिलीज होने का दिन है। रिलीज? अरे कितने लोग रिलीज के लिए इंतजार कर रहे हैं, और एक तू है कि कुंभकर्ण के जैसे सो रहा है। थू तेरी जिंदगी पर। रहने दो ना भाई, छोड़ो। आपकी जेल का खाना बहुत अच्छा है, एक हफ्ते और रहूंगा बस। रिलीज होने के बाद भी अगर मैंने तुम्हें यहाँ ये एक हफ्ता और रखा तो परमानेंटली मुझे सब कुछ साफ करना पड़ेगा। क्या बात है, तेरा भी आज ही रिलीज है क्या? नहीं, मेरा रिलीज होना भी बाकी है। और प्लीज आप मुझसे सभ्यता से बात कीजिए और सभ्य तरीके से ही रीजन बताइए। अब यही एक कमी रह गई थी। देखो नटराज, देखो, देखकर सीखो। दिखने में ये बहुत बड़ा महाज्ञानी लग रहा है, इसे जो करना था वो कर दिया। शहर की बहुत सारी बैंकों में हाथ साफ किया है इसने। पकड़ा गया और जेल में 3 साल की सजा भी काट दी। और एक तुम हो जैसे बहुत बड़े डाकू हो, चोरी भी करते हो तो किसकी? दूध चुरा लिया, माचिस चुरा ली, और न्यूज़पेपर, पेट्रोल। अरे परेशान क्यों कर रहे हो, इतनी अच्छी नींद आ रही है, सोने दो ना प्लीज। चलो उठ। बकरे को चारे की पड़ी है और बालू को मच्छर की फिक्र लगी है। चाहे तुम मर्डर, रेप और लूट मार सब करो, या फिर आतंकवादियों के जैसे बम फोड़कर आ जाओ जेल के अंदर। उसके बाद में देखना, बाहर भी परेशानी नहीं होगी और जेल में भी काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा पैसा कमाकर चैन की जिंदगी जियो। ऐसी बात है क्या? और क्या, आइडिया तो बहुत अच्छा है। बम फोड़ने का मीटर नहीं है और गलत काम करने का कैरेक्टर नहीं है। बैंक करप्ट करना ही ठीक है। बाहर जाएंगे क्या? मैं तो बस पूछ रहा हूँ। ओ मेरी माँ, मैं बाहर निकल रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? वैसे भी जेल में एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकता। वैसे एक बात कहूँ बॉस, जेल से बाहर निकलने के बाद ऑटोमेटिक मेरा सीना चौड़ा हो जाता है और इतना मजा आता है कि क्या बताऊं। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। गुरु, आगे चोरी करना तो अकेले मत जाना, मुझे साथ में ले जाना। बैंक को लूट के उसे बर्बाद कर देंगे। सुनो बॉस, वैसे बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है? किस लिए? अगर हम उसमें चोरी करने जाएंगे तो कम से कम 2 साल की सजा मिलेगी। ऐसे बैंक को ढूंढना है, क्या कहते हैं आप? क्या हुआ बॉस, शॉक क्यों हो गए आप? आवाज दी क्या? दूध पी करके और पेशाब विसर्जन करके चादर ओढ़ के सो जाना। तुम इसी के लायक हो। मैं अभी चलता हूँ, समझा गया? बेवकूफ। अरे जाना, जाते जाते मेरा दिमाग खराब कर गया, मुझे बहुत कम समझ रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसने पेशाब विसर्जन की बात क्यों की? अरे ओ, चलो जाओ। हाँ जाओ। जा रहा हूँ। कमाल है ये लोग। लोगों को पूरा भरोसा है कि आप हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप सच में कहीं हो ना, तो इसकी आत्मा को शांति देना। अरे कितने दिनों से मैं इसके पीछे पड़ा हूं, जरा भी पलट कर नहीं देखती मुझे। हे ऊपर वाले, एक बार मिला दे मुझे इससे। वैसे लोग कहते हैं कि जेल में जाने के बाद किस्मत बदल जाती है, मैं भी देखता हूं मेरे साथ क्या होता है।
देखता हूँ मेरी किस्मत कैसे बदलती है। वैसे अब मुझे ऐसा काम करना है कि जिससे मैं 2 साल तक जेल से बाहर ही ना हूँ। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। क्या चुराऊं समझ नहीं आ रहा है। अरे वो क्या चीज है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है इस एरिया में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। किसका कपड़ा हो सकता है ये? जेल के क्वार्टर्स के बाहर दिख रही है ये। इसका मतलब ये जेलर की बेटी होगी। अगर इसका दिल जीत लिया ना तो कम से कम 1 हफ्ते के लिए जेल में फिक्स हो जाऊंगा। इसे संभाल के रखता हूँ। बहुत अच्छा लोकेशन है। यहाँ गाना शूट कर सकते हैं। कैमरा कहाँ रखूँ? हाँ कैमरा यहाँ रखूंगा। हीरोइन इस तरफ से एंट्री मरेगा। यहाँ कोई कपड़ा उड़कर आया था क्या? क्या वो कपड़ा आपका था क्या? वो कपड़ा जब हवा में उड़ के आ रहा था तो मुझे लगा कि वो किसी बड़े आदमी का होगा। वैसे सुनिए, वो कपड़ा इधर से उड़ा और उस तरफ उड़ के चला गया। जल्दी जाइए मैडम, नहीं तो उस कपड़े को लोग नहीं छोड़ेंगे। जाइए जाइए जल्दी जाइए। एक्सक्यूज मी। अरे बेटी ठहरो ठहरो ठहरो। अरे निकालो। क्या निकालूं? वही जो अंदर रखा है। लगता है इसका मुखत ने देख लिया है। मुझसे पूछ रहे हैं क्या? सीधा जाके बाईं तरफ मुड़ जाइए। जो अंदर छुपा कर रखा है वो निकालो। झूठे चोर कहीं के। लड़कियों को बस परेशान करना जानते हो ना? नहीं नहीं मैडम, वो कपड़ा ऐसे उड़ते हुए। मैडम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं करेंगी क्या? तुम्हारी औकात तो उतनी भी नहीं है। देखो अगर अगली बार मेरे सामने आए ना तो घासले डालकर तुम पर आग लगा दूंगी। इडियट। थैंक्स दादाजी। यू आर वेलकम। मुझे दादा मत बोलो स्वीटी। मेरा नाम है कृष्ण प्रसाद। यू कैन कॉल मी कृष्णा और क्रिश। समझी? क्रिश कितना गिरा हुआ इंसान है। डियर व्हाट्स योर नंबर? 7। ये कैसा नंबर है मोबाइल का? वो मेरा मोबाइल नंबर नहीं है। तो फिर? मेरी चप्पल का नंबर है। थूक कंबख्त कहीं के, सब मर्द एक जैसे होते हैं। इसने हर्ट कर दिया मुझे। एनीवे लड़की खूबसूरत। हेलो तो आप क्रिश हैं? हाँ yes. जो चाटा मुझे पड़ा है आपको पड़ा होता तो नकली दांत बाहर आ जाते। अंकल आपकी वजह से उस लड़की ने मुझे मारा। से मारी क्या? वैसे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा दांत तो डुप्लीकेट है। इन आदमियों को तो सबक सिखाना जरूरी है। कॉलेज के लिए भी लेट हो गई हूँ। सरला संजू इतने दिनों तक मुझे फॉलो कर रहा था, आज मुझे प्रपोज जरूर करेगा। हाय हाय। So, आज तुम मुझे प्रपोज करने आए हो ना संजू? मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो जानती हूँ। शायद तुम बहुत दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हो, है ना? इसलिए फॉलो करने की बजाय तुमसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। नहीं करनी चाहिए, प्लीज ऐसा मत करो, बाद में बहुत तकलीफ होगी। मुझसे प्यार मत करो, अभी जैसे आराम से जी रहे हो वैसे ही आराम से जीते रहो। क्या कहा? तकलीफ होगी, वो भी मुझे, पर कैसे? देखो आज तक मुझे 5 लड़के प्रपोज कर चुके हैं लेकिन उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। डर लग रहा है संजू, पर यही सच है। मैं बुरे नक्षत्र में पैदा हुई हूँ, मेरे साथ किसी का भला नहीं होगा। जैसे ही मैं पैदा हुई थी वैसे ही मेरे माँ बाप गुजर गए। किसी की दया के सहारे मैं आश्रम में पली बड़ी, पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई कर रही हूँ। तुम्हें एक बात पता है, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ रही थी ना तब एक बच्चे ने मुझे प्रपोज किया। आई लव यू सरला। अरे क्या हुआ? अरे अरे देखो तो क्या हुआ? अरे रे सांप, डॉक्टर को बुलाओ, कुछ करो जल्दी। 7वीं क्लास में करके ने प्रपोज किया, फिट से मर गया। आई लव यू सरला। ग्यारहवीं क्लास में एग्जाम टाइम पर एक लड़के ने प्रपोज किया। प्रपोज करने की खुशी में एग्जाम हॉल में ही हार्ट अटैक आ गया और मर गया। मुझसे जो भी प्यार करता है वो मर जाता है, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। अब बताओ मुझसे प्यार करोगे तुम? <laughs>
अरे तुम भी न सरला, उनकी मौत की वजह तुम कैसे हो सकती हो? कम ऑन, तुम 2022 में हो, तुम अब भी इन सारी बातों पर विश्वास करती हो? ये सब अंधविश्वास है। मैं भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब करने लगी हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे सब लोग किस नाम से बुलाते हैं? मनहूस कहकर बुलाते हैं, मनहूस। ओके सरला, मैं भले ही मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हो सकता। कुछ पल मैं तुम्हारे साथ प्यार के बिताना चाहता हूँ, मेरे लिए उतना ही काफी है। देखो, मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी जिंदगी में जो लड़की आएगी वो सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। देखो सरला, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें पूरे दिल से चाहता हूँ। आई लव यू सरला। क्या तुम सच में इतना प्यार करते हो मुझसे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और आज ये संजू तुम्हारे घर भी आएगा तुम्हारा जवाब जानने के लिए। बाय। इतना सब कुछ बताने के बाद भी वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है। अगर मेरी वजह से उसे कुछ हो गया, उसकी मौत की वजह मैं बन जाऊंगी। अब क्या करूं? पर शायद ये लड़का अच्छा है, इसके प्यार को स्वीकार कर लेना ही अच्छा होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है संजू आ गया। नारायण नारायण। लगता है सभी बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। ये दादाजी के दांतों का सेट अपनी मदद करेगा, मुझे कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा तभी मेरा भला हो पाएगा। वैसे इसे बेचने के लिए एक मोबाइल चाहिए ना। अरे कोई तो दरवाजा मेरी राह देख रहा होगा। मुझे इसी घर में जाना चाहिए, यहाँ जाना ठीक रहेगा। तुम्हारा भी यही कहना है? आ रहा हूँ मैं। संजू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब सच बता दिया, तब भी तुम मुझसे ही प्यार करते हो। लेकिन मैं अपने मन की बात बताऊं, मैं भी सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ अगर थोड़े भी पल मिल जाएं तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी तरफ से इस शादी के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एक डाउट है, तुम्हारी फैमिली वाले राजी होंगे ना? वो सारी बातें तुम मत सोचो, तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार है, मेरे लिए वही काफी है। और पहली बात तो ये है, जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे मेरे घर वाले कभी मना नहीं करेंगे। और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं घर वालों को छोड़ दूंगा, लेकिन शादी तुमसे ही करूंगा। आई लव यू। आई लव यू सरला। आई लव यू टू संजू। आज सुबह ही तो इसने मुझे मारा था। कुछ तो यहाँ खिचड़ी पक रही है। खैर कोई बात नहीं, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, इनकी शादी में जरूर जाना चाहिए। संजू सरला, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या मैं? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तुम्हारी मर्जी। क्या तुम्हारी मर्जी? ये जवानी के जोश में बहक रही है। तुम ऐसी खड़ी रहोगी तो मैं किस कैसे करूँगा? मुझे नहीं पता। अबे ओ बेवकूफ, गाल से शुरू करना। बिल्कुल सही यार। ये कौन बोला? मैंने संजू पकड़ो उसे। सीटी की आवाज सुनाई दे रही है, मतलब गोर खा रहा होगा। अरे नहीं, खान शाह बाबा की टोपी, यहाँ फंसना ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। निकल बेटे। अगर ऐसे भागता रहूंगा तो बचूंगा कैसे? लगता है मैं कहीं फंस जाऊंगा। यहाँ कोई है क्या? हाँ, लगता है कोई नहीं है। चलो। अगर थोड़ा भी मिस किया होता ना तो पुलिस के हाथ में फंस गया होता। ये क्या है, इतनी रात को खाने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? ये खाने की आवाज नहीं, सिनी का चॉकलेट की आवाज है। ये आवाज तो पहचानी सी लग रही है। सर, फिर से आप हो क्या? सर, एक गलती के लिए जेल में मत डालना सर, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो सर, प्लीज सर। सर, सुबह इसने पहले मेरा कपड़ा चुराया, और मुझे लगता है कि ये मुझे तब से फॉलो कर रहा है, और थोड़ी देर पहले ये मेरे घर में भी आ गया।
मेरे होने वाला पति वहाँ था, इसलिए मैं बच गई सर, वरना देखिए सर, आपको इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी ही चाहिए सर। देखो बेटी, वो ऐसा आदमी नहीं है। नहीं सर, मैं पूछ लूंगा ना। अरे सरला, वो बोल रहे हैं ना, वो उसे देख लेंगे। जाओ जाओ, चलो चलते हैं। सर, जाओ। चलो प्लीज कम, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। हे सर, उसे इधर लेके आओ। ठीक है सर। सर मुझे बुला रहे हैं क्या? चल सर बुला रहे हैं। जल्दी लेके आ रहा हूँ। आ रहा हूँ, बोलिए सर। क्यों बे, चोर कहीं का, ये तूने कैसी बॉडी बना रखी है? सर मुझे एक बार माफ कर दीजिए सर, अगली बार कोई बड़ा गेम करूंगा, उसके बाद परमानेंटली अंदर। तू अभी भी अपने आप को बड़ा चोर समझ रहा है? हाँ सर। ऊपर से लफड़ा करके पकड़ा जाता है। क्या करूं सर? तेरे चेहरे से ही पता चलता है तू किसी काम का नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तू जिंदगी में कभी चोरी कर पाएगा भी। अगर चोरी सीखनी है तो मुझसे सीखना सर। हाँ, मेरी चोरी करने का स्टाइल देखकर पुलिस वाले खुद शॉक हो गए थे, इसलिए मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करवा दिया। आइंदा इस एरिया में कभी चोरी नहीं होगी, इसीलिए मुझे इंस्पेक्टर बना दिया। ऐसी बात है क्या सर? तू एक हफ्ते के लिए जेल गया था ना, किस लिए गया था? दूध का पैकेट चुराया था इसलिए। तेरी तो चोरी ऐसी करो कि लाइफ सेटल हो जाए, ये भी कोई चोरी हुई? अरे क्या करूं सर, किस्मत ही खराब है मेरी। वैसे आपकी तरह पुलिस इंस्पेक्टर बनके चोरी करने का मेरा बहुत मन है सर। ओहो, तो तू मेरी ही बैंड बजाने की सोच रहा है? नहीं सर। चल ये सब छोड़, तेरे लिए एक नया काम देख के रखा है, ईमानदारी से काम करना। ठीक है सर। फिर जिंदगी की नई शुरुआत होगी, समझा ना? जी सर। ठीक है ठीक है, आशीर्वाद दीजिए सर, जाता हूँ मैं। हाँ चल। सर अपना जेएमडी जैसे। ये जेएमडी क्या होता है? सर आप अपनी जीप से मुझे ड्रॉप कर दीजिए। पेट्रोल डीजल के तरह बाप भरवाएगा? वैसे नाम क्या तेरा? नटराज सर। तो फिर अपने नाम की तरह अपने पैरों से चलकर सीधा चलते चले जाना, पलट के मत देखना। बेवकूफ कहीं का, पुलिस जीप में ड्रॉप करने की बात कर रहा था। क्यों बे, मजाक उड़ा रहा है? मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, तुम सबको अंदर करवा दूंगा। भाई टाइम बर्बाद मत करो। अरे वाह, मेरी नजर में तो तुम भगवान हो, कितना अच्छा काम कर दिया तुमने, मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। आओ आओ भाई आओ। हाँ सरला। हाँ? तुम्हारी फोटो देखकर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, वो हमारी शादी के लिए भी राजी हो गए हैं। हाँ एक मिनट, एक फोन करके आता हूँ। हाँ। पापा, संजू का फोन। हाँ हेलो। हेलो पापा। क्या बात है संजू, अच्छी तरह हो ना? तुमने फोन किया, पैसों की जरूरत है क्या? कितने पैसे चाहिए? और वहाँ सब कुछ अच्छी तरह चल रहा है ना? या मुझे आना पड़ेगा? पापा आप मुझे बोलने देंगे या नहीं? हाँ बोलो बेटा। आपकी ईमेल आईडी पर मैंने अभी भी एक फोटो भेजी है, आप लोग देख लीजिए, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है पापा। कौन है वो लड़की? अगर शादी करूंगा तो उससे ही करूंगा। ये क्या कह रहा है? जल्दी से देखकर अपनी राय बताइए मुझे। मेरी बात तो सुन। संजू, ए संजू। हाँ, सब ठीक है ना? फोन फोन। हेलो। परी की तरह है वो लड़की, उसे पसंद करने में तुमने मेरी तरह गलती नहीं की। थैंक यू वेरी मच पापा। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे घर वाले मेरी पसंद के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। यस। लड़की बहुत सुंदर है, मुझे तो एकदम लक्ष्मी लगी। भाई भाई, गोदाम में आग लग गई भाई। ए, क्या बोल रहा है तू? आग लग गई? हाँ, चलो। बढ़िया, मलाई मार के मजेदार चाय, ये बहुत ही शानदार है। इसके अंदर 3 गुलाब टी है। देखिए, 90 पीने से किडनी खराब हो जाती है, वैसे ही चाय पीने से सर दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपके सर में दर्द हो ना, तो आप ऑर्डर करिए हमारी स्पेशल गुलाबी टी को।
अरे उसके लिए मैं क्यों पीऊं, मेरे लिए एक बादाम मिल्क काफी है। अच्छा, एनर्जी के लिए बादाम मिल्क? हाँ, सुनिए भाई, के लिए बादाम मिल्क, इनकी एनर्जी बढ़ानी है इसलिए। अरे मैं देता हूँ, इधर आ रहा हूँ, बैंक में जाने वाला लड़का आया। अच्छा। नहीं, इसलिए उसके बदले तुम चाय देकर आ जाओ। बैंक में डालने के लिए पैसे तो है नहीं, कम से कम चाय ही दे के आ जाता हूँ। हाँ, बादाम वाला मिल्क किसको चाहिए? मेरे सपनों की रानी, क्या बात है मैडम, अच्छी लग रही हो। लिखो लिखो लिखो, अरे न न न न न, ये लीजिए सर, आपके लिए स्पेशल टी। हाँ ठीक है, रख दो। यहाँ रख दूँ? हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी, हाँ सर, आपके लिए स्पेशल टी। ओके थैंक यू। अरे मेरे सपनों, अरे एक तेरी, अबे अंधा है क्या, देख के चलना। तेरी तो हट, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, पूरी जमीन खराब कर दी। कोई देखे इससे पहले साफ कर लेता हूँ, जल्दी से साफ कर। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ सर, अगर किसी और ने देख लिया तो मुझे बहुत गाली देगा वो। अरे चाय देने में कितना टाइम लगता है? आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। चाहे तुम मर्डर, रेप और लूट मार सब करो, ऐसी चोरी कर कि लाइफ सेटल हो जाए, समझ रहा है तू? यस। भक्तों की जो भी परेशानी है उसे हंसते हंसते दूर करता है ये लाफिंग स्वामी। वैसे भक्त तुम्हें क्या परेशानी है? गुरुजी, मेरे दूसरे बेटे संजू ने एक लड़की को पसंद किया है। बहुत अच्छी बात है। वो क्या है कि उस लड़की की कुंडली हमें पता नहीं है, इसीलिए आपसे कुछ जानकारी लेने के लिए आया। हमारे घर में जो भी शुभ कार्य होता है मैं आपसे पूछ कर ही पूरा करता हूँ, ये हमारे घर की परंपरा है। ये रही उसकी फोटो, देखिए। पहले तुम्हारे गोदाम में जो आग लगी थी ना, वो तुम्हारे बेटे के इस लड़की को चाहने के वजह से ही लगी थी। कहीं इस लड़की ने तुम्हारे घर में कदम रखा तो तुम्हारा बेटा तुरंत मर जाएगा। क्योंकि इस लड़की की वजह से बहुत लड़के मर चुके हैं, अगर ये लड़की तुम्हारे घर आई तो तुम्हारा घर कुछ ही पलों में शमशान बन जाएगा। बेकार में चले आते हैं, किसी की भी फोटो लेकर, अपनी बर्बादी का सामान लेकर। संजू को फोन करो। हाँ। पापा, संजू। हेलो संजू। हाँ पापा। उस लड़की से शादी मत कर। क्यों पापा? उसकी किस्मत ठीक नहीं है, वो तेरी मौत की वजह है। ये आप क्या बोल रहे? मैं सच कह रहा हूँ। उसे भूल जा बेटा। पापा पागल हो गए क्या? मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं जिसे प्यार करता हूँ उससे ही शादी करूंगा पापा, मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। हेलो, ये लड़की हमारा घर बर्बाद कर देगी। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं हूँ ही मनहूस, मेरे साथ किसी का भला नहीं हो सकता, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखो संजू, तुम्हारे पापा ने जो लड़की देखी है उससे शादी कर लो। सरला बेवकूफी वाली बात मत करो, किसी की भी बात में आकर अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो हमारे प्यार का क्या होगा? हम कल ही शादी कर रहे हैं, तुम रेडी हो ना? प्लीज समझने की कोशिश करो, एक बार शादी हो जाए तो फिर हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। तुम क्या बोलती हो? तुम्हारी मर्जी। गुड। अर्जेंट में शादी करनी है तो मुझे बहुत सारा इंतजाम करना पड़ेगा, तो मैं चलता हूँ। पर संभल कर।
आई लव यू सरला। अभी नहीं, कल हमारी शादी होगी और कल ही फर्स्ट नाइट होगी, अभी थोड़ा सा इंतजार। ए बदमाश कहेंगे। गुरुजी, मेरे समझाने के बावजूद मेरा बेटा बात नहीं मान रहा है। कह रहा है शादी उसी से करेगा, हम क्या करेंगे गुरुजी? नहीं मानेगा, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। अरे ये मिट्टी की औरत होती ही ऐसी है, उसके माया जाल से मैं भी नहीं बच पाया हूँ। तो उपाय बताइए गुरुजी। पापा फोन। हाँ हेलो, पापा बात क्या है पापा? गुरुजी, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो कोमा में है, अब उसका क्या होगा? अब आपको ही कुछ करके मेरी बेटी की जिंदगी बचानी होगी गुरुजी। बताओ अभी तक तुमने कितने मर्डर किए हैं? यही कोई 50। अब तुम्हें एक और मर्डर करना है, अब ऐसा करने से ही तुम्हारा बेटा बच सकता है, ऐसा कुंडली बता रही है। पर किसका किसका मर्डर करना होगा मुझे? कहाँ भाग रही है? रुक जा, रुक जा, छोड़ेंगे नहीं आज। भाग के जाएगी। पकड़ो उसे। कहाँ गई? कहाँ चली गई? कहाँ गई है? कहाँ चली गई वो? पता नहीं भाई। भाई फोन पे फोन करे जा रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ चली गई। से जा। हाँ, चलो चलो उधर, तू उस तरफ जा। हाँ ठीक है भाई। ए, तू हाँ, सामने हाँ, जा। हाँ, तू भी जा। चलो
एक बैग चुराने की तो औकात नहीं है मेरी। इस फेस को देख के लगता है कि मैं किसी चाय की दुकान का गल्ला भी चुरा सकता हूँ। ट्राई करता हूँ। हाँ। बहुत तगड़ा लॉक किया इसने। ये लो। हाँ, थैंक यू। बाप रे। भाई वो प्यास लगी थी तो मैंने सोचा थोड़ा चाय पानी खराम के लिए। शैतान, जिसने तेरे को पनाह दी नहीं, 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 उसी नहीं, के घर में तू चोरी कर रहा है। चल निकल यहाँ से, चल निकल। सुनी तू? किसी काम का नहीं मैं। छोटी सी चोरी कर नहीं पाया और आज यहाँ रोड पे आके पड़ा हूँ। कुछ भी करूँ घर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। घर तो यही बगल में ही है, आज इसी में रुक जाता हूँ। कैसी है मेरी लाइफ? अगर एक बियर मिल जाए तो मैं यहाँ पर आराम से पी के सो जाऊँ। ये क्या चक्कर है? इतना पीने के बाद भी नशा नहीं चल रहा है। अब क्या करूं मैं? सोचा था चोरी करने के बाद सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन कैसे करूं? एक आदमी अपने शरीर को बढ़ाने के लिए गाड़ी के पेट्रोल को पीकर अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। अरे ऐसे ही पी के लोग खुशी मनाते हैं क्या? ये आग के पास क्यों खड़ा है? ये आखिर कर क्या रहा है? अब मुझे नशा चढ़ रहा है। ये मैं कहाँ हूँ? भगवान, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरी मौत भी ऐसे ही दर्दनाक होगी क्या? ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ, तकरीबन 1 करोड़ रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है। जहां पर ये वारदात हुई है वहां पर खून के धब्बे भी मिले हैं। अपराधियों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। आगे की जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारे रिपोर्टर नागेश्वर के पास। नागेश्वर, घटनास्थल से कोई और सुराग मिला है क्या? क्या स्थिति है? कोमा में है सर। जान बचेगी या नहीं बचेगी ये तो हम नहीं कह सकते सर। ए डॉक्टर, इसे कुछ होने ना पाए वरना समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। सर ये आप क्या बोल रहे हैं सर? वही जो सुन रहे हो। ठीक है सर, आपके बेटे की जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा। हाँ, अभी अभी तुमने कहा कि इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारी जान खतरे में जरूर आ जाएगी। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? चल निकल यहाँ से। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विजय, ये मैं भी जानता हूँ और तुम्हें भी पता है। संजू की जान तभी बचेगी जब उस लड़की की मौत होगी। पापा, वो लड़की मिल नहीं रही है। हमारे लड़के उसे गली गली में ढूंढ रहे हैं। विजय, तुम खुद जाओ और उसे खत्म कर दो, फिर मेरे सामने आना। ठीक है पिताजी, ठीक है।
सुनिए सुनिए जी। संजू मैं तेरे लिए जिंदा हूँ, तुझे बचाने के लिए क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। भाई जरा एक मिनट रुको। अरे आप क्या हो गया? बहुत जोर की लगी है। चल जल्दी जा, क्या हल्का होकर आता हूँ। जल्दी आ जाना, सो मत जाना उधर। अरे ये मैं कहाँ गया? हे, गाड़ी क्यों रोक दी भाई? इतनी मुश्किल से तो मुझे नींद आई थी, मेरी नींद खराब कर दी तुमने। चलाओ ना गाड़ी, चलाओ जल्दी करो। अरे तू कौन है, यहाँ ऊपर कैसे आया तू? अबे तू चुप रह, गाड़ी चला। हो तो ऐसी बात है, हट। एक तो ऐसी गाड़ी में चढ़ गया, ऊपर से रौब दिखा रहा है, चल निकल। ए रुक जा, ए भाई, अरे अरे यार गाड़ी से नीचे फेंक दिया मुझे। चारों तरफ जंगल है, इस जंगल में मुझे छोड़ के चला गया। हाईवे पे मुझे गाड़ी की सर्विस नहीं मिली तो क्या हुआ, जंगल में मैं पैर की सर्विस शुरू कर देता हूँ। ब्रदर्स कम ऑन लेट्स गो, पैरों से मैं भागूंगा। मैं आराम की जिंदगी जीना चाह रहा था, लेकिन यहाँ जंगल में भटकना पड़ रहा है। कम से कम शहरों में अच्छी अच्छी लड़कियां देख के दिल तो बहलाता था, यहाँ जंगल में कहाँ कोई मिलेगी। बहुत जोर की पेशाब लगी है, पहले टैंक खाली कर लेता हूँ, उसके बाद तो इस जंगल में पैदल ही चलना है। अगर मैंने और देर की तो बुरा हाल हो जाएगा। अरे मेरी बॉडी इतनी गर्म क्यों है, यहाँ पेशाब करने से आग तो नहीं लग जाएगी? खैर कर लेता हूँ। ये क्या है, पैर गर्म क्यों लग रहा है? अरे बाप रे, जंगल में आग लग गई, इतनी गर्मी है मेरे अंदर की जंगल में आग लग गई, अब तो पूरा जंगल जल जाएगा। आज तक तो मैंने ऐसा कभी फिल्मों में भी नहीं देखा था, क्या पता ये मुझे कोई रास्ता दिखा रहा हो। चलो चल के ढूंढता हूँ, पहले यहाँ से निकल लेता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या है? कहीं ये डाकुओं की वैन तो नहीं है? मेरे पास पानी खरीदने तक के पैसे नहीं है, लेकिन भगवान फुल नाश्ता खिला रहा है। मैंने सुना है वैन खाने से भूख मिट जाती है, लेकिन मैं वैन खा सकता हूँ क्या? नो टायर, सबसे पहले इसे ही चुराता हूँ। अरे ये तो बाहर ही नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, अरे खुल जा। ये कैसे खुल गया, ये अपने आप क्यों खुल रहा है? ये क्या है, इस लड़की ने तो मुझे मारा था ना, खूबसूरत लड़की, ये तो वही लड़की है, बड़ी बड़ी आंखें, कहीं इसकी जान तो नहीं चली गई? सांस चेक कर लेता हूँ। ये तो जिंदा है, ये यहाँ कैसे आई? कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? वो लड़का मुझे गलत ही लग रहा था। अगर मैंने इसके साथ गलत किया तो ये गवाही देगी और मैं 4 साल के लिए जेल में चला जाऊंगा, मजा आ जाएगा। लेकिन पहले इसे मैं उठाऊं तो सही। मैडम, हेलो मैडम, आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया क्या? जब तक मैं खूंखार नहीं लगूंगा ये उठने वाली नहीं है, कुछ अलग करना होगा। मैडम, ये मैडम, ये कुछ ज्यादा ओवर हो रहा है, नॉर्मल करता हूँ। मैडम मैडम मैडम, अगर पानी चेहरे पे मारा जाए तो लड़की होश में आ जाती है, ऐसा मैंने फिल्मों में देखा है। मैडम पानी यहाँ है। मैडम 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 उठिए ना, मैडम मैडम उठिए उठिए। मैं किसी ने कुछ गलत किया है क्या आपके साथ? मैं बहुत बुरे नक्षत्र में पैदा हुई थी, मैं अनलकी हूँ, जन्म देने वाले मेरे पैदा होते ही मर गए। बेचारा संजू मुझसे कितना प्यार करता था, मुझसे प्यार करने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चला गया। तुम्हें पता है आज तक मुझसे 5 लड़कों ने प्यार किया और वो सब मर चुके। मतलब संजू भी मरने वाला है। नटराज, इस पे तरस खा के इसके साथ ज्यादा टाइम मत बिता, चुपचाप साइड से निकल ले, इसी में तेरी भलाई है। अरे बाप रे, इतना खतरनाक बैकग्राउंड है आपका मैडम। खैर आप क्या करें मैडम,
आपके साथ यहाँ जंगल में मैं अकेले फंस गया हूँ। मेरी जिंदगी बख्श दीजिए, मैं अपनी जिंदगी में आराम से जीना चाहता हूँ। कोई तो आइडिया दीजिए आप। तुम कहीं भी जाकर मरो, मेरे लिए मेरा संजय इम्पोर्टेंट है। बस वो जिंदा रहना चाहिए। उसकी कुंडली के हिसाब से मेरी मौत से उसे जिंदगी मिल सकती है, इसलिए उसके घर वाले मुझे ढूंढ कर मुझे मारना चाहते हैं। आपको एक बात पता है क्या, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तब मुझे आपसे प्यार हो गया था। उसके बाद मुझे एहसास हुआ, ना तो मैं दाई तरफ से देखने में अच्छा लगता हूँ और ना ही बाई तरफ से देखने में अच्छा लगता हूँ, और ना ही मुझे जहर पीने का कोई शौक है मैडम, इसलिए मैं चुप हो गया। लेकिन आज पता चला हैंडसम ना रहना ही बेहतर होता है, नहीं तो मुझे आपसे प्यार करना पड़ता और मेरी तस्वीर दीवार पे चिपकी होती। हेलो मैडम, इस बैग में 2 पैकेट पॉइजन रखा हुआ है, 1 पैकेट आप ले लीजिए और 2 पैकेट मैं ले लेता हूँ। आप मर जाइए, मैं देखता रहूंगा। मैं एक बार किसी को मरते हुए देखना चाहता हूँ, आप मेरी बात मानेंगी ना? हेलो सर, मैं रिपोर्टर सतीश बोल रहा हूँ। वो बैंक लूट के मामले में क्या हुआ सर? उसी मामले में जुटा हुआ हूँ, मैं खुद भी उसे ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ऊपर से अपने ऊपर प्रेशर भी ज्यादा है। कुछ खबर मिले तो बताइएगा। हाँ, बताता हूँ। ठीक है। जंगल है, हम यहाँ पे अकेले हैं। तो मुझे फॉलो करके यहाँ तक आए हो ना? हाँ मैडम, मैं पागल दिख रहा हूँ क्या? मतलब तुम चोर हो? अरे नहीं यार। तो फिर खाने का चोर? देखिए, इस संसार में आने के लिए मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म लिया। मेरी माँ मुझे घर लेके चली जाती, इसीलिए मैंने पैदा होते ही वहाँ से भाग निकला। हाँ? किस्मत पे सबको भरोसा होता है, उसी तरह मेरी भी किस्मत में चोरी चपाटी करना और जेब काटना ही लिखा था। हाँ? छोटी मोटी चोरियां करता था, जेब काटता था, और इसकी मुझे आदत सी पड़ गई है मैडम। अब जो बचपन में सीखा है वो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए छोटी मोटी चोरियां करता रहता हूँ। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या? मतलब, अरे तुमने पढ़ाई कितनी की है? अच्छा, तो ये बात है, जब मैं दूसरी में पढ़ रहा था तो मुझे मास्टर ने बहुत मारा, इसीलिए मैंने भी उसका सर फोड़ दिया। उसके बाद किताब और पढ़ाई से मेरा बहुत दूर का नाता हो गया। मतलब जिस तरह से पति पत्नी का नाता होता है, पैसे कमाते हैं, भूख मिटाते हैं, रात को सोते हैं। आपके थू बोलने से पता चल गया आप हिंदी मीडियम नहीं इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, लड़की के साथ बैठो तो वो पूरा शहर घुमा देती हैं, वही लड़की साथ छोड़ दे तो चारों तरफ सैड साउंड, लेकिन तुम्हारे केस में लव के बिना मेरा साउंड फट रहा है। खाना अटक गया। पानी वानी है क्या? क्या पता गाड़ी में हो। अरे बाप रे, पानी नहीं है क्या? अरे अरे, ये बैग है क्या? चलो खोल के देखता हूँ। हे मैडम। हाँ? अरे जल्दी आइए, ये देखिए क्या हुआ। ये आपका है क्या? तो फिर ये मेरा है। मैडम आप तो बहुत किस्मत वाली हैं मैडम। अरे वाह, क्या बात है। जेल से निकलने के बाद किस्मत बदलती है, ये बात सच हो गई मैडम। गाड़ी मिल गई, पैसे मिल गए। हे भगवान, तू महान है। कौन कहता है आप अल्लकी है मैडम? हाँ तू वो गधा है। मैडम आप साक्षात लक्ष्मी हैं, पैसे मिल गए, गाड़ी मिल गई। अरे बाप रे, मैडम आप भाग्यवती हैं और मैं भाग्यवान हूँ। अगर आप हीरोइन हैं तो मैं हीरो हूँ। हम दोनों साथ मिलके गाना गाएंगे कि हमारे भाग खुल गए। अरे भाग खुल गए मैडम। क्या? ये क्या बकवास किए जा रहे हो? अरे मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, आप भाग्य की देवी है। मैडम आपको ये चेहरा ठीक लग रहा है ना? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये मिट्टी है ना, इससे रगड़ के चेहरा साफ कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो पैसे हैं, मैं शहर जाकर के अच्छी तरह से मेकअप करवाऊंगा मैडम। मैं सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहा हूँ ना? चुप करो इडियट। अरे मैडम मैं सच कह रहा हूँ, आई लव यू। आई लव यू। देखिए आप मेरी जिंदगी में लक्ष्मी बन के आई है, मेरी जिंदगी बदल गई। प्लीज आपसे मेरी गुजारिश है, मेरे प्यार को आप स्वीकार कर लीजिए। आई लव यू मैडम, आई लव यू। आई लव। हटना। पुलिस हैंड्स अप।
वैसे एक बात तो सच है मैडम, आप बहुत बदनसीब हैं, बहुत बदनसीब। मैं आपके प्यार में फंस गया, मैं पूरी तरह फंस गया मैडम। मुझे तो लग रहा है आज इस जंगल में मेरा इनकाउंटर हो जाएगा मैडम। अब मैं कैसे बचूंगा? सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, क्या बात है? सर, बैंक डकैती करने वालों को हमने पकड़ लिया है सर। ओ, ये बात है, कौन है वो? सर, एक लड़का और एक लड़की है सर। अच्छा, और पैसा? पैसों के साथ ही पकड़ लिया है सर। वाओ, वेरी गुड घोड़ा, कीप इट अप। थैंक यू सर। इस बार तो मेरा प्रमोशन पक्का है यार। तुम इतने शांत कैसे बैठे हो? तो फिर क्या करूं मैडम? अरे ये लोग हमें पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, हमने तो चोरी भी नहीं की, कुछ नहीं किया, ये लोग हमें अंदर कर देंगे। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम, मुझे आपके नसीब पे पूरा भरोसा है मैडम। आपने इस जीप पे पैर रख दिया ना मैडम? देखा, मुझे पता था मैडम, आपके पैर रखने से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई। तो ये जीप क्या है मैडम? हे, आप मेरा चेहरा क्या देख रही है? चलिए भागिए ना, निकलिए। और ये लोग? अरे छोड़िए मैडम, निकलते हैं यहाँ से, चलिए जल्दी। ऐसा क्यों कर रहे हो? इनका क्या होगा? मैं तो पैसे भूल ही गया, एक मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी, माफ करिएगा। हाँ चलो, लगी तो रही। अरे जाने दो। थैंक यू। नटराज, चलो जल्दी निकलते हैं। चलिए मैडम, आइए। हम लोग जाएंगे। नहीं मैडम, पहले यहाँ से निकलते हैं। संभालिए खुद को। संजू को यहाँ अस्पताल में रखना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम इसे घर लेकर जाते हैं, उसके बाद इसकी सेहत के लिए हर दिन मंदिर में जाकर पूजा करो। सुनो विजय। हाँ पापा। संजू को डिस्चार्ज करवा कर इनके साथ घर भिजवा दो। अब हम इसे अस्पताल में नहीं रखें। ठीक है पापा। इन लोगों ने चोरी को अंजाम कैसे दिया होगा? दूध का पैकेट तो चोरी कर नहीं पाता, 100 रुपए भी चोरी करने की औकात नहीं है उसकी। लगता है इसका किसी ने साथ दिया है। कुछ भी कहिए सर, इस चोरी से उसका काफी नाम हो गया है सर। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, जरूर इसके पीछे कोई तो है। समथिंग इज सस्पिशियस, इसका पता लगाना पड़ेगा। ए, हाँ? जाके चॉकलेट लेके आओ, कुछ सोचना है मुझे। सर, छोटी वाली या बड़ी वाली? लेकर आता हूँ सर। हमें और नहीं भाग सकते। अरे आ जाइए मैडम, भागना पड़ेगा। नहीं होगा। अरे चलिए मैडम, अरे आइए मैडम जल्दी। अब मैं गिर जाऊंगी। अरे मैडम, अरे यार, अरे नहीं होगा। मैडम क्या कर रही है, जल्दी चलिए, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। पुलिस वाले हम पे कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। चलिए मैडम। तुम ये बैग वहाँ से क्यों उठा कर लेकर आए? तो क्या करता, इसे वहाँ छोड़ तो नहीं सकता था ना। आप भी ना मैडम कुछ भी कहती है। देखिए मैडम, वैसे भी हम दोनों शादी करने वाले हैं, नसीब में तो नहीं है, लेकिन आपका काम पूरा करने के लिए, आपके खर्च उठाने के लिए मुझे इन पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने वहाँ से ले लिए। आपके खर्चे उठाने के बाद जो भी पैसे बचेंगे उससे मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगा। ए, अगर तुम ऐसी बातें करते रहोगे ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, नहीं मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। आई लव यू मैडम, आई लव यू, आई लव यू। बस एक बीज है, बीज है। आई लव। अरे बाप रे, समझ में आया? अब समझ में आया ना? मुझे आई लव यू बोलने के बाद क्या होता है, समझ में आया? करोगे मुझसे प्यार करोगे नटराज? हाँ, आजा आजा, प्यार करो मुझसे। नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए मैडम, रहने दीजिए, मैं अपना प्यार दिल में रख लूंगा।
लेकिन प्यार की वजह से अपनी जान नहीं गवाऊंगा। शुक्र है, इतना तो समझ में आया कि ये सच है। मैडम, आप बोल रही थी ना कि मैं मर जाऊंगी। आप मरेंगी कब? जब मेरा टाइम होगा मैं मर जाऊंगी, फिलहाल मूड नहीं है। अरे यार, ये भी कैसी बदनसीबी है। इससे प्यार करना मतलब मेरी जान को खतरा है। ये अरे बाप रे, ये बहुत अनलकी है, अनलकी है, अनलकी है। मेरे ये घर मेरे लगता है यहाँ कुछ तो है। कुछ जला हुआ लगता है। बॉडी, डेड बॉडी सर, डेड बॉडी सर, बॉडी बॉडी सर, डेड बॉडी। अरे कोई ट्रेन तो आनी चाहिए यहाँ, मैं और बाहर नहीं चल सकती। क्या मैडम, आपने जीप और वैन का तो सत्यानाश कर दिया, अब ट्रेन का भी सत्यानाश करना चाहती हैं क्या? अरे यार मैडम, अगर हम उस तरफ चलते रहेंगे तो किसी ना किसी गांव तक पहुंच जाएंगे, है ना? क्या हुआ मैडम? तुम इतना भी नहीं सोचते कि मैं एक लड़की हूँ, मुझ पर तरस नहीं आ रहा क्या? अरे बाप रे, इमोशनल कर रही हैं क्या आप मैडम? मतलब सच कहने से डरती क्यों हैं? आइए आइए। लगता है इसे सब कुछ इंग्लिश में ही समझाना पड़ेगा, हद हो गई है यार। चलो ठीक से फोटो खींचो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कब देखा था इसे? सुबह सर। सबसे पहले इसे किसने देखा? यहाँ के रेंज ऑफिसर ने। पेट्रोल की स्मेल सर। ये स्पिनर है। क्या बदनसीबी है मैडम, बैग में 1 करोड़ रुपए हैं लेकिन फिर भी हमें पैदल चल के जाना पड़ रहा है। कैसी किस्मत है हमारी। अरे बाप रे, अच्छा हुआ पुलिस स्टेशन नहीं गए, रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मैडम वैसे आपको एक सच बताऊं, मेरे हाथ पैर अब चलने के लायक नहीं बचे हैं। लगता है यहाँ कोई गांव है, क्यों ना हम इसी गांव में सेटल हो जाए। क्या बोलती हैं आप? मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम अब और चलेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को चाहिए। ठीक है ठीक है, मैं पहले खाने के लिए कुछ अरेंज करता हूँ, नहीं तो आप मुझे ही खा जाएंगी। लेकिन मैं खाना कहाँ से ढूंढूं? अरे ये तो गांव है। गांव तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्या होगा इसका। हाँ? हाँ? चुप रहो वरना। हे भगवान, इस गांव को तू ही बचाना। गांव के लोग बेचारे सो रहे होंगे, कहीं रात को यहाँ भूकंप ना आ जाए। भगवान मुझे पेशाब के बहाने ही बचा लेना प्लीज। आता हूँ, भगवान बचा लेना। बहुत भूख लग रही है, सोचा था किसी से कुछ खाने का मांग लूंगी पर यहाँ तो सब घर बंद है। मैडम आप चिंता क्यों कर रही हैं? गांव बहुत अच्छा है, बैग में पैसे हैं, हमारा बस चले तो हम गांव में होटल खोल लें। ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पे हम रहने के लिए रखेंगे, सेकंड फ्लोर पे एक बहुत बड़ा सा बेडरूम रहेगा, हम दोनों यहाँ अच्छे से सेटल हो जाएंगे। क्या कहती अच्छा? है मैडम आप? पहले तो तुम कुछ और ही बोल रहे थे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अब क्या हुआ? छोड़िए मैडम, हम दोनों एक साथ बेडरूम में रह जाएंगे। आइए मैडम, आइए आइए। क्या है ना मैडम, मैं हमेशा मजाक करता रहता हूँ जिससे मूड फ्रेश रहे। वैसे इंसानों की जाति को कोई पहचान नहीं सकता है, ये अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और, ये अपनी बातों में ही सबको फंसा लेते हैं मैडम। अब चुप रहो नटराज, बहुत भूख लगी है, कहीं से कुछ खाने का ले आओगे तुम प्लीज? हेलो मैडम, बैग में करोड़ों रुपए हैं और मैं जाके किसी के सामने भीख मांगूं? हो ही नहीं सकता है। आप कहेंगी तो मैं चोरी करके ला सकता हूँ, लेकिन किसी के सामने भीख नहीं मांगूंगा। तुम्हारे साथ तो मैं भी चोरी करना सीख जाऊंगी, फिर तो लाइफ सेटल हो जाएगी। अरे मैडम सुनिए। अरे माँ जी नमस्ते। माँ जी हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाने के लिए कुछ मिल सकता है क्या प्लीज? क्यों बेटा? आंटी दिखने में तो अच्छे खासे लग रहे हो और भीख मांग रहे हो। ऐसी बात नहीं है मैडम, ये हमारा पार्ट टाइम जॉब है। अरे क्या करूँ, मैनेज कर रहा हूँ। माँ जी प्लीज बहुत भूख लगी है, कुछ तो दे दीजिए। ठीक है बेटी बैठ जाओ। थैंक यू माँ जी। अपने साथ मुझे भिखारी बना दिया, इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत है, बदकिस्मती है मेरी। ए
क्या सुंग रहे हो तुम? बिरयानी उरयानी नहीं मिलेगी मैडम? हाँ? कल के खाने में मिर्ची डाल के ला रही है। जरा चुप रहोगे? चख के देख लेना। लाइए। ये लो खाओ। मैंने बोला था ना, आंटी का दिल बहुत बड़ा है, मैंने बोला था ना। हाँ बोला था, मैंने बोला था। थैंक्स बाजी। क्या हुआ जी? टाइम क्या हो गया पता है? चलो ठीक है जी, आ रही हूँ। इन दोनों की तो कोई मैच मेकिंग ही नहीं है। लगता है इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। इस आदमी की नजर ठीक नहीं लग रही है, ये सोच क्या रहा है? हाँ आ रहा हूँ। अच्छा हुआ चला गया। हाँ कैसे खा रही है ये? अरे बाप रे, इस तरह के खाने के लिए भीख मांगने की क्या जरूरत थी? ये सब बदकिस्मती ही है। इतने पैसे हैं, कहीं और खा लेते। हेलो। पहले तो तुम करोड़ों की बातें कर रहे थे, पैसों से सब कुछ नहीं होता। अब तुम्हें समझ में आया ना खाने की अहमियत क्या है? मैं नहीं दूंगी, जाकर खुद मांग लो। मुझे मांगने की आदत नहीं है मैडम, छीन लेने की आदत है। देखा ना, खाऊंगा। मेरा खाना है वो, दो मुझे। नहीं, वैसे एक बात कहूँ, कल के खाने में कांडा मिला दिया है तो मजा आ गया है। वाह, बिरयानी से भी मजेदार है। वाह, बुक कर देंगे। अब जाके थोड़ी भूख मिटी। आंटी खाना बहुत अच्छा है, आपने बनाया क्या? नमक थोड़ा ज्यादा है, फिर भी मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ। ये लो। थैंक्स। कैसा बेकार आदमी है। काम हो गया। थैंक्स माँ जी। चलो चलते हैं। ए, चुप रहो। क्या हो गया? माँ जी हम लोग बहुत थके हुए हैं, अगर आपको परेशानी ना हो तो आज रात हम यहीं रुक सकते हैं प्लीज। हमारे घर के सभी लोग पूजा करने के लिए गए। अच्छा? हैं तो आज रात यहीं रह सकती हो। वैसे बेडरूम कहाँ है? ए तू यहीं सो जा। अरे रंगा दरवाजा बंद करो। आंटी आंटी पागल है क्या? यहीं सोने को कह रही है, इसका तो खुद का बेडरूम नहीं होगा। ए क्या बोले तुम? कुछ नहीं, फ्लो फ्लो में निकल गया। अच्छा अब चुपचाप यहाँ सो जा। लाइट क्यों बंद कर दी? बड़े कंजूस हैं ये लोग, रात को कोई पैसा चुरा के लेके चला गया तो क्या होगा? अगर मैं किसी के घर के सामने इस तरह से आकर के सो गया हूँ तो इसके घर से कुछ ना कुछ तो चुराना ही पड़ेगा। मेन डोर से जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, पीछे के दरवाजे से जाता हूँ। यस, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे दरवाजा तो खुला है, मेरे आने का इंतजार है, लेकिन बहुत अंधेरा है भाई। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या चुराऊं? किस तरफ जाऊं? उत्तर पश्चिम की तरफ जाऊं क्या? पूरब पश्चिम की तरफ जाता हूं, ये ठीक रहेगा। वैसे कुबेर का कोना वही होता है, उस साइड बहुत सारा माल मिलेगा, चोरी करने में मजा आएगा। हाँ ये क्या है, यहाँ सारे दरवाजे खुले हुए क्यों हैं? लगता है इस घर में बहुत बड़ा खजाना मिलेगा मुझे। हाँ एक लोग लेट के सो रहे हैं, दूसरे लोग बैठ के सो रहे हैं, यहाँ पर चोरी करने में एक अलग ही मजा आएगा। हाँ बाबू, ये शक्ल तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। गाल से शुरू करो दोस्त। बिल्कुल सही यार। अरे बाप रे, ये तो वही है, उस लड़की को मारने के लिए ये लोग ढूंढ रहे हैं और हम लोग उसी के घर के सामने आके सो रहे हैं। पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। होशियार रहना। ए ज्यादा होशियारी दिखाएगा तो काट दूंगी। नींद में काटने की बात कर रही है, जग गई तो क्या होगा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। निकल जाओ। अरे बाप रे, ये दरवाजा भी खुला है, कैसा है ये घर? मैडम मैडम जल्दी उठिए, मैडम जल्दी उठिए, ये लोग काट देंगे हमें, जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से, निकलिए। मैडम मैडम उठिए मैडम, अरे मैडम, अरे हट जाओ तेरी तो, मैडम चलिए जल्दी यहाँ से निकलिए, ये लोग वही है, चलिए भागिए यहाँ से, जल्दी करिए, चलिए जल्दी निकलिए। रुको,
जिस लड़की को हम लोग ढूंढ रहे थे वो लड़की हमारे गांव में आई है। चलो चलो सब जल्दी आओ, चलो जल्दी, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। चलो नटराज, हम नहीं भाग सकते। संजू घर में ये तुम्हें कैसे पता? वो वहाँ बेड पे सोया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। संजू वहाँ है, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। अरे अरे जब आप जिंदा बचेंगी तभी तो देखेंगी ना, भागिए। अरे भागो। अब मुझसे नहीं होगा मैडम, अगर हम लोग ऐसे भागते रहे तो वो लोग हमें भगाते रहेंगे मैडम। अब नहीं होगा, मैं नहीं भागूंगा, खुद ही वो लोग थक के रुक जाएंगे। अरे मैं नहीं भागूंगा, नहीं भाग सकता मैं। अरे नहीं भागूंगा। आजा, तेरी तो मेरे हाथों में इतनी शक्ति है। देख लिया ना मैडम, बिजली के तार की तरह मेरे अंदर बहुत पावर है मैडम। करंट करंट हूं मैं। ये क्या, ये आवाज कहां से आ रही है? मैडम भागना मत, इतना करंट नहीं है मुझ में। चलिए निकल लीजिए मैडम। कहाँ भागेगा? जाओ चलो चलो जल्दी करो, भागिए मैडम, पकड़ो ने। रुको रुको, ए, पुलिस है, सारे हथियार पीछे छुपा लो। मेरा पेट खराब है, तुम लोगों को मजाक लग रहा है? यही लोग हमें बचा सकते हैं। सर आप हमें भगवान की तरह मिल गए। अरेस्ट कर लीजिए सर, अरेस्ट कर लीजिए सर। क्या बोल रहा है? अरेस्ट करिए सर, जल्दी करिए। ये तुम क्या बोल रहे हो? चुप रहिए मैडम, पुलिस के हाथ लग गए तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे, अगर इनके हाथ लग गए तो ये लोग हमारे छोटे छोटे टुकड़े करके कहाँ कहाँ फेंकेंगे, हमें भी नहीं पता है मैडम। पुलिस के हाथ लगना बेटर है। सर अरेस्ट कर लीजिए सर, करिए सर, अरेस्ट करो। कर लो। ये हथकड़ियां मेरे हाथों में लगे, ये मेरा बहुत पुराना सपना है मैडम। इसके लिए मैंने न जाने कितनी चोरी चकारी की, पैंट चुराने के चक्कर में अंडरवियर में बैठा था, लेकिन आज देखिए, बैंक लूटने का मजा ही अलग होता है मैडम। हथकड़ी पहनने का मौका बार बार नहीं मिलता। एंजॉय करिए, एंजॉय करिए। क्या किस्मत है? क्या हुआ भाई? हाँ, भाई क्या हुआ? उन्हें पुलिस वाले लेकर चले गए, पुलिस के हाथ लग गए और हम कुछ नहीं कर पाए। पापा आप कोई टेंशन मत लीजिए, पुलिस स्टेशन में अपने आप ठीक है, जल्दी 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 जिंदा कर देंगे। सर मैंने जो केस किया था वही हुआ। हाँ मैं खुद वहां पे आता हूँ। हाँ सुनो। जी सर। वो जंगल में जो बॉडी मिली थी ना, जी सर, वही आदमी असली चोर है। वो डीएनए टेस्ट भी क्लियर हो गया और मेरा डाउट भी क्लियर हो गया। ओके सर। अच्छा वो नटराज किधर है पता लगाओ। ठीक है सर। सर इस बात पर एक बड़ी चॉकलेट ले आऊं? ये फाइल ले जाकर उधर दे दो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कनेक्ट करो। मिनी बैंक में जो डकैती हुई है उसका डीएनए टेस्ट मैच हो गया है। इस डकैती से मिली एक और खबर सामने आई है कि जिसने डकैती की थी उसने खुद को आग लगा के जान से मार लिया। मौके वारदात पे मिला खून बॉडी के डीएनए से पूरी तरह से मैच हो रहा है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये वही चोर है जिसने पहले चोरी की और बाद में आग लगा के खुद को जान से मार लिया।
सब लोग मिठाई लो। थैंक यू सर। बात क्या है सर, आज आप खुद ही मिठाई दे रहे हैं? अरे और क्या हो सकता है, हमारे साहब का प्रमोशन पक्का है। ए, कुछ भी कहो मैं ट्रिपल स्टार लगा लूंगा, मेरा लेवल ही कुछ और हो जाएगा। आप चाहे कितने भी स्टार लगा लो लेकिन हमें इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ए, चेहरा क्या देख रहे हो, जाओ इसे ले जाओ और सब में बांट दो। ए, मजे करो। हेलो। हे माधव, मैं हूँ विक्रम, बात कर रहा हूँ। सर नमस्ते। सर नमस्ते। चोर को पकड़ रखा है, शहर भेजू क्या सर? अरे बेवकूफ, जिस चोर ने बैंक को लूटा था वो जल के मर चुका है। ये डीएनए टेस्ट में भी प्रूफ हो चुका है। तुमने जिसे पकड़ा है वो है नटराज, उसे मैं अच्छे से जानता हूँ। सर ये आप क्या बोल रहे हैं सर? सही बोल रहा हूँ, उसका और बैंक डकैती का कोई संबंध नहीं है। उसके पास जो पैसा है वो लेकर उसे छोड़ दो और उसे कहो कि वो मुझे आकर के मिले, समझ गए? ठीक है सर। सर मैंने तो अपने प्रमोशन के लिए क्या क्या सपने देख लिए थे। ओहो, अरे इस गैप में तुमने तो और भी बहुत से सपने देखे होंगे। अरे 5 सालों से मुझे खुद प्रमोशन नहीं मिला है, मैं खुद ही तड़प रहा हूँ। चुपचाप फोन रख। ठीक है सर रखता हूँ। सुनो सर, लगता है ये लोग चोर नहीं है, रिलीज कर दो इन्हें। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या बोल रहे हैं सर? बोला ना चोर नहीं है, रिलीज कर दो उनको। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मैंने तो प्रमोशन के सपने देखकर सबको मिठाई भी बांट दी। ए, बर्फी के लिए सबसे 50-50 रुपए ले लेना। सर मत छोड़िए ना प्लीज सर। देखा मैडम, आपकी वजह से इंस्पेक्टर की प्रमोशन कैंसिल हो गई। चुप रहो। अबे सुनो। सर जैसे ही तुम्हारा रिलीज का सब हो जाए विक्रम साहब से जाकर मिल लेना। ठीक है सर, ठीक है। चलो। पेट खराब हुआ, एयर फ्रेशनर भी मुझे ही करना पड़ रहा है। तेरे की, घर तो घर लोग जेल से भी बाहर निकाल देते हैं। जेल में तुम्हें इतना अच्छा लगा क्या? और नहीं तो क्या, वैसे जेल ही ठीक थी। सही, एकदम सही कहा आपने। अरे बाप रे, उन्होंने पैसों से भरा बैग भी ले लिया और हमें जेल में भी नहीं रखा। ये सब इंस्पेक्टर विक्रम की वजह से हुआ है, उन्हें मैं दिखाता हूँ, याद रखेंगे वो मुझे। ये कैसी आवाज है? मैडम जरा होशियार रहिएगा आप। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो जाओ। कहाँ सर? चाहे कहीं भी जा तू, पर ज्यादा बात मत कर, चुपचाप चले जाए यहाँ से। सुनो तुम हमारे साथ चलो। नहीं नहीं सर। सर सर सॉरी सर, आप पुलिस वाले हैं सर, ये सब करना गलत है सर। गलत? अरे नटराज, कोई सवाल नहीं जवाब नहीं, सीधे चलते बनो। तुम चलो चलो। ऐसा मत करिए सर, सर लड़की को छोड़ दीजिए। तेरी सर 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 ऐसा मत करिए सर, ऐसा मत करिए। सर इस लड़की की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ सर, सर उसे जाने दीजिए सर। सर सर मैंने कोई गलती नहीं की है सर, मुझे माफ कर दीजिएगा सर। सर मेरी कोई गलती नहीं है सर, सर मुझे माफ कर दीजिए सर। मैंने जान बचा ली है सर, सर मुझे माफ कर दीजिए सर, सर मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन सर मेरी कोई गलती नहीं है सर। चलो चलो जल्दी निकलिए सर, जल्दी। कहाँ गया ये? गुरुजी, हम उसे कुछ भी करके मार नहीं पा रहे, अब हम क्या करें? हाँ गुरुजी, आप कुछ कीजिए कि बस वो हमारे हाथ आ जाए, उसे काट कर रख देंगे। फालतू बात मत करो, सिर्फ तीन दिन चुप रहो, कुछ तो होने वाला है। हाँ? क्या होने वाला है गुरुजी? मेरे बेटे को तो कुछ नहीं होगा। चुप रहो तुम, क्या होने वाला मैं खुद नहीं जानता। उस लड़की के पास कुछ ना कुछ सुपर पावर तो है, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आखिर वो सुपर पावर क्या है ये पता लगाना होगा। नटराज। क्या हुआ मैडम? मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे अकेला छोड़कर चले जाओ। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं मैडम? नहीं, ये बताओ मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, तुम मेरे क्या लगते हो?
तो फिर क्यों मेरे लिए इतनी तकलीफें झेल रहे हो? तुम्हें मार खाता हुआ देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। क्यों मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़कर चले जाओ, प्लीज नटराज। क्या मैडम, ऐसी बातें क्यों कर... यहां से! मैं जो बोल रही हूँ वो मान लो और जाओ यहाँ से। कहा था ना कि मेरे साथ जो रहता है उसका भला नहीं होता, कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। देखो अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना तो वो सब तुम्हें भी मार डालेंगे। प्लीज चले जाओ नटराज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। नहीं मैडम, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ मैडम। मुझे भी जीने की ख्वाहिश है मैडम। मैं मर जाऊं या आप मर जाओ, दिन होता है रात होती है ये सब कुछ भगवान के हाथ में होता है मैडम, और हम सब भगवान के बच्चे ही तो हैं। मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है। ओ, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या हुआ मैडम, आपने भगवान से रिश्ता क्यों तोड़ दिया है? मुझे ये सब नहीं पता, बस भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे पता है मैडम, मेरा दिल कहता है ऊपर वाला आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मेरी बात सुनिए मैडम, भगवान पे भरोसा रखिए और मेरे साथ चलिए। पर कहां? अल्लाह अकबर, सब कुछ ठीक कर देना। अरे बाप रे, देखा मैडम कैसी लगी ये जगह, यहाँ कोई तो शक्ति लगती है ना मैडम। मैडम यहाँ पर बहुत पावर है मैडम, वो आदमी देख रही है ना, वो आदमी अगर किसी के सर पे वो झाड़ू दो बार मार देना तो फिर किसी के ऊपर चाहे कैसा भी भूत हो दो मिनट के अंदर उसे छोड़ के भाग जाता है, समझ गई? आप भी जाके झाड़ू मरवा लीजिए। इतने दिनों से मैं अनलकी थी, अब तो मुझ पर भूत भी चढ़ गया है। चुप रहिए मैडम, उस भूत का दिमाग खराब है क्या जो आपके अंदर आएगा? मैडम एक बात कहूँ आपसे, आपने यहाँ पर पैर रखा लेकिन भगवान इस जगह को छोड़ के नहीं भागे। ठीक है मैं जाती हूँ। अरे अरे सुनिए मैडम, अरे मजाक कर रहा हूँ मैडम, मजाक भी आप सीरियसली लेती हैं, हद है मैडम, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हैं, बच्ची हैं क्या आप? चलिए आपका गुस्सा भगाने के लिए हम अंदर चलते हैं। इधर आओ, ये नींबू लेकर जाओ और वहां जाकर इस नींबू को काट दो। ठीक है बाबा, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह रखे सलामत। बाबा जी। अरे नटराज तोतिया, आजा आजा आजा, आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। से तो हो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है ठीक, बैठिए बैठिए मैडम। और तुम जेल से कब रिहा हुए? इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बाबा जी ये लड़की बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अगर ये किसी को प्यार करती है तो वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। आप कुछ करिए ना बाबा जी। ऐसा क्या? नटराज तुम ठीक हो ना? हाँ मैं एकदम मस्त हूँ, बिल्कुल सही। हाँ अच्छा, प्रॉब्लम में तो ये है। नटराज उधर जाके, उधर इस नींबू को वहाँ निचोड़ दो। अरे आप डरो मत मैडम, बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, ये आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे, आप परेशान मत हो। बैठो बैठो बाबा जी, देखिए बेटी आओ। अरे डरो मत बेटी, डरो मत, बस समझो तुमको अल्लाह की मेहरबानी मिल गई है, आज से तुम्हारी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। खुश रहो बेटी, खुश रहो। तुम्हें वो नटराज कैसा लगता है बेटी? प्यार करती हो उससे? बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी। दूसरों के मदद के लिए वो अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करता। तुम्हारे जैसे कितने लोगों को लाकर उसने यहाँ ठीक किया है, वो अल्लाह का प्यारा बंदा है। अरे क्या कमाल का लड़का है वो,
चोरी तो करता है वो, लेकिन उसका दिल फूल जैसा है, फूल जैसा है। मेरी बात सुनो बेटी, तुम दोनों शादी कर लो, बहुत सारे बच्चे होंगे तुम्हारे, उनको लेकर यहाँ आना। यह जन्नत जैसी जगह है, वाइब्रेशन। एक मिनट बेटी, एक मिनट। सरला, सरला, ये लो बेटी, और इस नींबू को जंगल में ले जाकर काट देना। वहां जो दुर्गा माता का मंदिर है ना, वहां पर ले जाकर इस नींबू को निचोड़ देना, और फिर देखना दुर्गा माता के आशीर्वाद से और अल्लाह की दुआ से तुम्हारा नसीब बदल जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा। क्या मतलब? तुम दुर्गा माता के आशीर्वाद से माँ लक्ष्मी बन जाओगी, माँ लक्ष्मी बन जाओगी बेटी। तो उसके बाद मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, मेरा यकीन करो, बिल्कुल नहीं होगी। ये लो, इस नींबू को अपने पास रखो, जाओ अल्लाह सब ठीक करेगा, जाओ बेटी। ऊपर वाले, उस लड़की की रक्षा करना। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया ना? बाबा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब सब कुछ ये, यस यस। एक मिनट रुको, मैं उनसे बात करके आता हूँ, एक मिनट रुको, रुको, रुको। ये लो, रख लो। अच्छा बाबा, ले लो, तुम भी ले लो। बाबा जी, कुछ पैसे हो तो दीजिए ना प्लीज। क्या कर रहे हो बाबा जी? सुनिए सुनिए, मैं आपको वापस कर दूंगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं वापस कर दूंगा बाबा जी, दीजिए ना। ये देखो, ये नवंबर, अच्छा ये दिसंबर, ये पैसे ना मैं आपको अक्टूबर में दे दूंगा, दे दूंगा, पक्का दे दूंगा, उसे ले जाना है ना। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाओ जाओ, निकलता हूँ, निकलता हूँ बाबा जी। क्या बात है? वो क्या है, दक्षिणा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए उधार करके आ गया। उन्हें भी चूना लगा रहे हो तुम? क्या बात कर रही है मैडम, उन्हें भला चूना लगा सकता हूँ क्या, वो भी आपके मामले में? ना ना, दक्षिणा के पैसे मैं उन्हें दूंगा, तभी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। चाहे कितनी भी तकलीफें आए, कुछ भी करके, मेहनत करके मैं दक्षिणा के पैसे इन्हें दे दूंगा। बस आप ठीक हो जाएं, बहुत तकलीफ उठाई है आपने, आपका अच्छा होना जरूरी है। अरे आप तो अच्छी हो गई मैडम, चलिए चलते हैं, आ जाइए। इस पानी में पैर भिगाने से कुछ अजीब सा लग रहा है। बैंकॉक के फिश मसाज के बारे में मैंने सुना है, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएं तो वहां जाके करवाऊंगा। नटराज? हाँ मैडम। क्या बात है मैडम, सब काम अच्छे से हो गया ना? तो फिर चलिए। एक बात कहूँ मैं, अब विश्वास हो गया कि भगवान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी परेशानियां दूर हो रही हैं। मैडम ये आप बोल रही हैं? अरे बाप रे, चलो यहाँ पूजा करने की वजह से आपको थोड़ी बुद्धि तो आई, आपको इस तरह से देख के मेरे अंदर हिम्मत आ रही है। परेशान मत होइए मैडम, देखते जाइए आप, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आपके सितारे बुलंद होने वाले हैं मैडम। हाँ नटराज, हाँ मुझे तो कई बार लड़कों ने आकर आई लव यू कहा है और उनके साथ बुरा हुआ है, लेकिन अगर मैं किसी को आई लव यू कहूँ तो उसे तो कुछ नहीं होगा ना? अरे बाप रे, मुझे लगता है आपको संजू के पास ले जाना होगा और आप उसे आई लव यू बोलेंगी। अरे बाप रे, नहीं नहीं। तो फिर क्या मैडम? आई लव यू नटराज। मैडम ये क्या है? जानते हो जिस दिन मैं पैदा हुई थी उस दिन से सब मुझे मनहूस ही कहते आए हैं, बुरे नक्षत्र में पैदा हुई ये कहकर ताने मारते थे। मुझे पैदा करने वाले माँ बाप तो गुजर गए, जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया वो भी मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन तुम मेरे साथ रहे, मेरे लिए तुमने इतनी तकलीफें उठाई, तुम्हारे साथ मेरा क्या रिश्ता था बताओ? मेरे लिए तुमने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी, तो भगवान पर भरोसा कैसे ना हो? वैसे सच कहूं तो अब मेरे लिए तुम भगवान हो, मेरी लाइफ में तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। I don't want to lose you. अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। I
really love you, Nataraj. मैडम, मुझे लगता है आपने बहुत ही दिल लगा के पूजा की है मैडम, तभी तो देखिए भगवान ने आपको बहुत अच्छी सलाह दे दी, और इतना ही नहीं आपने मुझे आई लव यू बोल दिया, उसके बाद भी मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। मैडम मैं एक चोर हूँ मैडम, और आप ऊंचे घराने की, मेरी आपके साथ कैसे मैचिंग हो सकती है? पहले तुम्हारे गांव जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं, तुम्हारा चेहरा देखने लायक भी नहीं है, जाओ जाकर मुंह धोकर आओ। अरे क्या सोच रहे हो, जाओ ना। ये बात सच है ना मैडम? सच है, सच है नटराज, चल बेटा मुंह धो ले, जल्दी कर। क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? वही लोग हैं जो मुझे मारने आए थे। नटराज, मैडम डरिए मत, अगर आप डर रही हैं तो मुझे भी डर लगेगा, आप डरना बंद करिए मैडम। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा भाई तुम्हें एकदम पागलों की तरह प्यार करता है, कोमा में होने के बावजूद सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा है वो। मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ, चाहे तुम्हारे पैर ही क्यों ना पड़ना पड़े। तुम अनलकी हो, मनहूस हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा कदम पड़ते चाहे मेरा घर ही क्यों ना बर्बाद हो जाए। प्लीज मेरे साथ चलो, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। हाँ ये नहीं आएगी, घर ले जाके इसे मार दिया तो। देखो देखो देखो, अभी ये धमकी दे रहा है, ये नहीं हो सकता, नहीं आएगी ये। हाँ। जब मेरा भाई कोमा से बाहर आया था तब उसकी हालत देखकर पता है पापा ने क्या कहा था? जब वो कोमा से बाहर आया तब हम में से किसी को भी वो पहचान नहीं पाया, हमेशा उस लड़की का नाम ही बड़बड़ाता रहता है, इतना प्यार हो गया है उस लड़की से इसे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, ये घर कब्रिस्तान भले बन जाए, वो लड़की ही हमारे घर की बहू बनेगी। विजय जाओ उसे लेकर आओ। इसीलिए तुम्हें लेने के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पापा भी साथ आए हैं, वो खुद शर्मिंदा है। देखो तुम मना मत करना, प्लीज आ जाओ। मैं नहीं आऊंगी। एक मिनट रुकिए, दो मिनट का टाइम दीजिए, दो मिनट का। मैडम आइए, मैडम आइए। नटराज, अरे आइए तो सही मैडम, क्या कर रहे हो तुम? आइए ना, मुझे नहीं जाना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप आइए ना मैडम, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आइए ना, आइए तो सही, आइए आइए, प्लीज आइए आइए मैडम। देखिए मैं अपनी माँ की कसम खा के बोलता हूँ, मैं जो चाहता हूँ आप जो चाहती हैं ये भी वही चाहते हैं, ये भी वही चाहते हैं, आपकी किस्मत बदल गई है मैडम। देखिए ये लोग आपको जान से मारना चाहते थे, आज आपको लेने आए हैं मैडम। भगवान के लिए मान जाइए, इनकी बहू बन जाइए मैडम, प्लीज बन जाइए, इनकी बात मान लीजिए, आप मना मत करिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ मैडम, इनके साथ चले जाइए, आप खुश रहिए, मैं बस यही चाहता हूँ, इनके साथ चले जाइए मैडम, बात मान लीजिए। ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने जो तुमसे कहा वो भूल गए क्या? मैडम मैडम धीरे से आराम से मैडम, आखिर इसमें गलत क्या है मैडम? देखिए मैंने आपके साथ 3-4 दिन खुशी से बिताए हैं, पूजा पाठ की है, मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाए, और सब कुछ खुशहाल हो भी गया। देखिए मेरी तो आपके बगल खड़े होने की औकात नहीं है, पति बनना तो दूर की बात है, आप मेरे लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं? खुद को देखिए और मुझे देखिए मैडम। मैडम हमने जो भी 3-4 दिन साथ में बिताए उसे डिलीट कर दीजिए, अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए, सब खत्म कर दीजिए, मेरी बात मानिए मैडम, मैं चोरी चकारी करने वाला इंसान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है, ये घिसी पिटी टूटी चप्पल और ये फटे पुराने कपड़े हैं, आप मुझसे शादी करेंगी तो सड़क पे आ जाएंगी, आपके रिश्तेदार सुनेंगे तो आपको ताने मार मार के आपको मार देंगे मैडम, आप अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है मैडम? मेरी बात मान लीजिए मैडम, मेरी बात मान लीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मत कीजिए मैडम, आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं, अब आपकी जिंदगी में खुशियां आ रही है मैडम, आपका बुरा वक्त खत्म हो गया, क्यों मेरे चक्कर में पड़ रही हैं? देखिए
देवी के आशीर्वाद की वजह से आपका बुरा वक्त खत्म हो गया है मैडम, सब खत्म हो गया है। उन्हें देखिए मैडम, वहाँ आप बहुत खुश रहेंगी। शादी होने के बाद वो सब आपको अपनी पलकों पे बिठा के रखेंगे। मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है मैडम, मैं तो आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। खुद का पेट भरने के लिए छोटी मोटी चोरियां करके जेल जाने की सोचता रहता हूँ। मैडम आपने मुझसे शादी की तो आप अपनी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर लेंगी मैडम। मैडम मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मैडम। समझने की कोशिश करिए मैडम, वो देखिए वो लोग आए हैं मैडम, आपको लेने के लिए आए हैं, उनके साथ चले जाइए मैडम। मैं भी आपको खुश देखना चाहता हूँ मैडम। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी यादों के भरोसे काट लूंगा मैडम, कोई बात नहीं है, मैं खुश रहूंगा। लेकिन आप चले जाइए, आप खुश रहेंगी तो मैं खुश रहूंगा, आप उनके साथ चले जाइए मैडम। देखिए वो लोग बहुत उम्मीद लेकर के आए हैं, आप उन्हें ऐसे मत लौटाइए मैडम, आप उनके साथ चले जाइए मैडम प्लीज। सर एक मिनट मैडम, प्लीज आइए ना, चलिए ना मैडम, जाइए उनके साथ मैडम, जाइए, आइए। सर आ रही हैं, आ रही हैं, आइए ना मैडम। जाएंगी ना, जाएंगी वो सर, जाएंगी, आइए मैडम, जल्दी आइए, जाइए जाइए। चलो मैडम बहुत अच्छी हैं, इन्हें अपने साथ ले जाइए, इनका ख्याल रखिएगा। मैडम नटराज चुप रहिए मैडम, क्या बोल रही हैं आप, समझने की कोशिश करिए, जाइए इनके साथ, जाइए ना सर, इन्हें अपने साथ ले जाइए, इनका ख्याल रखिएगा, बस मैं यही चाहता हूँ, जाइए ना मैडम, जाइए जाइए मैडम। सर हाथ पकड़ के ले जाइए, जाइए सर, मैडम जाइए जाइए, खुश रहिए मैडम। नटराज मैडम, नटराज नटराज, जाइए मैडम, खुश रहिए। आओ बेटी, कितनी चर्बी है तुझमें, ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले पे हाथ उठाया तूने? अरे इससे तो होश आ रहा है। मामा जी, संजू होश में आ रहा है। संजू को होश आ गया? हाँ मामा जी, जल्दी आइए। हाँ हम आ रहे हैं। लकड़ी चोरी करने के केस में इसे अंदर कर दो। संभाल के बेटा, आराम से। संजू 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 संजू, तुम्हें कुछ याद आ रहा है बेटा? संजू मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। तुझे जिंदगी में जो भी पसंद है वो सब मैं तुझे दूंगा, मैं कभी तेरे खिलाफ नहीं रहा बेटे। संजू मैं तेरे लिए उस लड़की को यहां लेकर आया हूं, वो देख। पापा, इसे यहां क्यों बुलाकर लाए हो आप? हाँ? ये मनहूस लड़की है पापा। हाँ? मनहूस है ये, इसने कहा मुझसे प्यार करोगे तो तुम मर जाओगे। पहले मैंने इसकी बात नहीं मानी, पर एक्सीडेंट के बाद मुझे भरोसा हो गया है कि ये
ये बहुत मनहूस है। पापा इसे जल्दी यहां से निकालो वरना कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी, ये हमारा घर बर्बाद कर देगी। पापा इसे निकालो यहां से, इसे भेज दो। तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है क्या कहा था? तुम्हारे साथ अगर मैं एक पल भी जी लूं तो ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। कहां गया वो प्यार? सब खत्म हो गया क्या? तुम जैसे अमीर लोगों के लिए सिर्फ पैसे ही जरूरी होते हैं। बेचारा वो चोर, उसका तो मुझसे कोई संबंध ही नहीं था, फिर भी मेरे लिए कितनी तकलीफें उठाई उसने। मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है वो। इस बड़े से घर की बहू बनूंगी ये सोचकर अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े थे, मुझे मारने की कितनी कोशिश की। हे, तुमने क्या सोचा कि मैं यहाँ तुमसे शादी करने के लिए आई हूँ? नेवर, मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि अब तुम मुझे भूल जाओ। तुमसे रिक्वेस्ट करने वाली थी क्योंकि अब मैं नटराज से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा ही हुआ तुम जैसे चीप इंसान के सामने मुझे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा। गुड बाय। अरे आई लव यू मैडम। मैं मर भी जाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको आधे रास्ते से नहीं छोड़ूंगा। अभी तक आपने बहुत तकलीफ उठाई है, अब खुशी ही खुशी है। एक्सक्यूज मी सर, नटराज यहाँ नहीं है क्या? नटराज सर? नटराज? हाँ। वो यहाँ कैसे रहेगा? चंदन की तस्करी करने के जुर्म में उसे सेंट्रल जेल भेज दिया है। नटराज? नहीं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे नटराज को कुछ नहीं होना चाहिए। आइए मिलिए इस चोर से। नटराज, नटराज, कौन है? नटराज, आप यहां कैसे? मैडम आ गई। अरे मैडम आप ठीक तो है ना? इन कमीनों ने मुझे बहुत मारा मैडम। सॉरी सर, सच कहूं तो मैंने भी बहुत सारे सपने देखे थे। शादी के बाद बच्चों के क्या नाम होंगे ये पूछने आई है ना मैडम? सच है ना? मैं जानता हूँ आप यही पूछने आई हैं, है ना? सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। एक्सप्रेशन चेंज क्यों कर रही हैं आप अपना, क्या हो गया? सर दो मिनट के लिए ये डोर खोल सकते हैं प्लीज? दरवाजा खोलने को बोल रही है, क्या पता मुझसे आशीर्वाद लेना चाह रही हो। सर थोड़ा दरवाजा खोल दीजिए ना प्लीज। अरे बाप रे, थोड़ी राहत महसूस हो रही है। अच्छा देखो सिर्फ दो मिनट का वक्त दे रहा हूँ, जल्दी बाहर आ जाना। मैडम आपका बच्चा लड़का है या लड़की? वो आप पे गया है या आपके पति पे गया है? उसका नाम रख दिया क्या? मम्मी क्या हुआ मैडम, सब कुछ ठीक तो है ना? आपके पति कहाँ है मैडम, कहाँ है? उस कमीने धोखेबाज की याद मत दिलाओ मुझे, समझ गए तुम? तेरी की, आप दोनों को मिलाने के लिए मैंने कितनी मार खाई, आप दोनों ने डिवोर्स ले लिया क्या? आई मम्मी कुछ भी बोलो तो आप मारती जा रही है। मैं भी यही चाहता था, आप बस खुश रहिए, इतना ही काफी है। नटराज, नटराज इसी वजह से मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। I love
यू नटराज। मैडम मैडम छोड़िए तो। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे मैडम ये क्या कर रही हैं मैडम, छोड़िए तो सही। चुपचाप मुझसे शादी कर लेना और फिर हम आधा डजन बच्चे पैदा करेंगे। नहीं करोगे तो मार डालूंगी तुम्हें। मैडम हाँ? अभी जो मेरी हालत है, आधा दर्जन बच्चे पैदा करने की कंडीशन में नहीं हूँ। एक लड़का हो एक लड़की हो, ये दो बच्चे हो जाए बस उतना ही काफी है। I love you, Natraj. अच्छा लग रहा है, एक बार और करिए। अब अच्छा लग रहा है? जल्दी से ये सब खत्म करो और वापस आओ, मैं इंतजार करूंगी। हेलो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं बहुत दिनों से तुम्हें मैडम मैडम कहके बुला रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सल्ला है, वाइफ ऑफ नटराज। इसके साथ मैं जिंदगी बिता सकूँ ऐसा आशीर्वाद दो भगवान।